नमस्कार दोस्तों, थिंक हाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक पे आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। आइए देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो अल्फ़ाबेट सीरीज से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आने वाला है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, तो इसे 4 पेयरिंग में करके देखिए। तो ठीक है, इस तरह से आप किए, अब आपको कुछ सिंपल दिख रहा है। हाँ, आपको एक चीज़ दिखा होगा, यहाँ पर पहला लेटर एन है, यहाँ पर पहला लेटर ओ है, यहाँ पर पी है। एन ओ पी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्यू। दूसरा देखिए, ओ है, यहाँ पी, यहाँ क्यू, ओ पी क्यू। नेक्स्ट क्या होगा, आर, ठीक है, क्यू आर, इस तरह से। तीसरा देखिए, यहाँ पे ए है, एक मिनट, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डी, ठीक है। फिर देखिए, ये बी है, ये सी, ये डी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ई। तो आंसर क्या आया, क्यू आर डी ई। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए। तो आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, 4 क्वेश्चन मार्क दिया है, आप इसे डिवाइड कर दीजिए 4-4 टर्म में, फिर आप देखने की कोशिश कीजिए किस तरह से ये रिलेशन रख रहा है यहाँ पे। अब मुझे लगता है इस तरह का प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में दे दिया जाए तो आप आसानी सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब आप देखिए, इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एन ओ दिया है, यहाँ पे ओ पी दिया हुआ है, फिर पी क्यू दिया हुआ है, इस तरह से आप लिख दीजिए। आप देखिए, जब एन ओ आया, यहाँ पे ओ से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पी ख़त्म हो रहा है तो पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यू यहाँ ख़त्म हो रहा है तो क्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, क्यू आर। एन के बाद ओ आया, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आने वाला है, ठीक है, क्यू के बाद यहाँ आर आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मार्क हमें मिल चुका, क्यू आर। अब देखिए, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बी सी और सी डी, उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं जैसे पहले हमने लिखा था। अब आप देखिए, ए से स्टार्ट हुआ, बी से फिनिश, बी से स्टार्ट हुआ, सी से फिनिश, सी से स्टार्ट हुआ, डी से फिनिश, यहाँ पे डी से स्टार्ट होगा, ई पे फिनिश। पहले हम लोगों ने क्यू आर निकाला, अभी डी ई, आंसर आ गया क्यू आर डी ई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखा आपने, मैंने 2 तरीके से आपको सॉल्व करना दिखाया, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सही सही आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ए बी सी हमें ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी सी, फिर यहाँ पर एफ से स्टार्ट हुआ है, तो सी के बाद एफ, बीच में डी और ई गायब कर दिया गया है, फिर यहाँ देखिए एफ जी एच आई जे और के, ये 3 गायब कर दिया है, फिर एल से यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये पता चला, यहाँ पे 2 गायब किया, यहाँ पे 3 गायब किया गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 4 गायब किया जाएगा। एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू आर, ये 4 लेटर हैं जो आपको स्किप करना है। आर के बाद कौन सा लेटर आएगा, एस टी यू, ये 3 लेटर यहाँ पर आ जाएंगे, एस टी यू, और बीच में हम लोगों ने गैप रखा 4 लेटर का, आपका आंसर आ गया एस टी यू, ऑप्शन सी में दिया है। देखा आपने, इसी तरह से सोचना है। और वैसे भी ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, मैंने इसलिए लिया कि आपको बता सकूं इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है यहाँ पर कौन सा लेटर आने वाला है, बी सी एफ जी एच के, इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं, कोई भी लेटर नहीं है, बी के बाद सी ही आता है, तो 0 लेटर है बीच में। सी से एफ कितने लेटर हैं इनके बीच में, डी ई, 2 है ना, डी ई, सी के बाद डी ई, तो 2 लेटर बीच में है। एफ से जी के बीच में कितने लेटर हैं, एक भी लेटर नहीं है। जी से एच के बीच में कितने लेटर हैं, एच आई, 2 है, और जे से के बीच में कितने हैं, एक भी नहीं। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 0 2 0 2 0, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2, के बाद जो लेटर आने वाला है वो 2 के गैप के बाद होगा, के बाद एल एम, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, एन,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से आपको सोचना है, एक एक करके आप प्रोसीड करते चलिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसे देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्लेस वैल्यू याद होगा, बी को हम लोग 2 लिखते हैं, ए बी सी डी में ए को 1, बी को 2, सी को 3, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यही मैं बता रहा हूँ, बी को हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं। सी को 3 लिख दीजिए। एफ़ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 और के का प्लेस वैल्यू 11। अब आप देखिए, ये नंबर सीरीज़ के जैसा फॉर्म हो गया क्या? अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस ले लीजिए, 1 आएगा। इसे डिफरेंस ले लीजिए, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो आपको पता लगा ये टर्म 1 3 1 3 1 3 के जैसे बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 3 का गैप क्या होगा? 11 में 3 आप जोड़ दीजिए, 14, और 14 किसका प्लेस वैल्यू है? एन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्या? तो आपने देखा कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, अल्टरनेट सीरीज से। बी से एफ कितने का गैप है? सी डी ई 3 का गैप है। एफ से जे, जी एच आई 3 का गैप है। यहाँ भी देखिए, सी से जी, डी ई एफ, उसके बाद जी आ रहा है, 3 का गैप यहाँ भी दिखा। जी से के, एच आई जे, उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ भी 3 का गैप दिखा। इसका मतलब 3 3 3 का गैप दिख रहा है। जे से जब आप यहाँ पे जो लेटर निकालेंगे वो भी 3 के गैप के बाद होगा, तो जे के एल एम, उसके बाद एन, 3 के गैप के बाद एन आ रहा है। ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा, मैंने बहुत सारे तरीके से आपको बताया, कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कीजिए, सारा तरीका सही है। ठीक है, समझ में आया? आपको ये भी पता लगा होगा कि आप एक प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को नंबर सीरीज में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड सी बी ए वाई एफ ई डी एक्स आई एच जी क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ जेड दिया हुआ है, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, ये अपोजिट साइड से चलता दिख रहा है हमें, जेड वाई एक्स, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? डब्लू। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, पहला लेटर डब्लू है क्या? जी हाँ, पहला लेटर डब्लू दिख रहा है, चारों ऑप्शन में हमें डब्लू दिख रहा है। आइए दूसरा देखते हैं, यहाँ सी है, एफ आई, तो सी इसके बाद एफ, डी ई 2 का गैप है, उसके बाद आया एफ, एफ से आई, जी एच आई, यहाँ भी 2 का गैप दिख रहा है। इसका मतलब आई के बाद 2 गैप चाहिए मुझे, जे और के, एल यहाँ पे आ जाना चाहिए। एल है क्या? जी हाँ, ऑप्शन में एल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन तो कर दीजिए, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बी ई एच, ठीक है, बी ई एच, बी और ई के बीच में कितने का गैप है? सी डी 2 का गैप, ई और एच के बीच में एफ जी, ठीक है, 2 लेटर का गैप है। इसका मतलब यहाँ भी 2 लेटर का गैप होगा, आई जे, नेक्स्ट लेटर हो जाएगा के, किस ऑप्शन में दिया है के? ए में भी के है, ए में भी 3rd लेटर के है, तो मुझे ये भी चेक करना होगा, ए डी जी। अब आप देखिए, ए से डी कितने का गैप है? बी सी, यहाँ भी 2 का गैप है, डी ई एफ जी, यहाँ भी 2 का गैप है, जी एच आई, नेक्स्ट जो लेटर होगा एच होगा, किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। ये तो लेंथी मेथड हो गया, अगर मुझे कहा जाता तो मैं इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता था। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं ऑप्शन देखता, यहाँ डब्लू है तो मैं पहला लेटर फाइंड करने की कोशिश नहीं करता, फिर मैं देखता ए बी सी, यहाँ डी ई एफ, उल्टा मैं चलता इधर से ए बी सी, फिर यहाँ देखिए डी ई एफ, सी के बाद डी आता है, यहाँ स्टार्ट हो चुका है डी ई एफ, यहाँ एफ फिनिश हुआ है, और जी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जी एच आई, यहाँ आई फिनिश हुआ है, यहाँ जे से स्टार्ट हो जाता। मैं ऑप्शन में चेक करता, जे कहाँ पे दिया हुआ है? इस 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आएगा के एल, जे के एल इस साइड से किस ऑप्शन में दिया हुआ है? जे के एल इस साइड से ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 2 सेकेंड में सही कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखा आपने, इस तरह से भी आपको सोचना चाहिए। क्या किया मैंने आपको बताता हूँ, मैंने देखा W कॉमन है इसलिए इसे फाइंड करने की कोशिश नहीं किया, फिर मैंने देखा
राइट साइड से लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ तो मुझे ए बी सी दिख रहा है। ए से स्टार्ट हुआ, सी से ख़त्म। उसके बाद फिर मैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड चल रहा हूँ तो यहाँ डी से स्टार्ट हुआ, एफ पे ख़त्म। फिर यहाँ पे जी से स्टार्ट हुआ, आई पे ख़त्म। तो यहाँ पे जे से स्टार्ट होगा और जे के एल, एल पे ख़त्म होगा। हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, जे के एल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा आप थिंकिंग हाई भी रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टी आर पी एन एल, दो क्वेश्चन मार्क दिया है। टी से आर कैसे लाया जाए? टी आर इनके बीच में कितने का गैप है? एस का गैप है, इसका मतलब एक का गैप है। आर एस टी एक ही तो गैप है। आर और पी के बीच में कितने का गैप है? एक। पी के एन के बीच में एक का गैप है, एन एल के बीच में एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप हो जाएगा और यहाँ भी एक का गैप हो जाएगा। एल के एक गैप के बाद जे आएगा और जे के एक गैप के बाद एच आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उसे आप दोबारा देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और मैंने कोशिश किया है जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने दूसरे टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। मान लीजिए मैंने टोटल 30 वीडियो बनाया है और सभी में 5-5 क्वेश्चन है, तो 5 × 30 150, आपके पास 150 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अलग अलग तरह के होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने ये देखा कि मैंने कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप 150 अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीख कर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रैक्टिकली आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना? और मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखूं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने 8 से 10 मिनट के ही वीडियो बनाया है। 8 से 10 मिनट की वीडियो आप आसानी से देख भी सकेंगे और आप पे कोई वर्डन भी नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर दिन इस तरह का 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो और सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाए। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप वीडियो देखिए, सीखिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, ठीक है? आपके स्क्रीन पे 4 वीडियो दिख रहे होंगे, अगर आप इन 4 में से कोई एक वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो पे जस्ट आप टच कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।